Kasaya and Teru Teru. Kasaya, ab bas bhi karo, tumhe chot lag jayegi. Fikr mat karo. Ab tum dekhna, is bar main udkar hi dam lunga. कोशिश करूंगा। प्लीज तुम ऐसा मत करो ना। नहीं नहीं, मुझे ये करना ही है। चमगादड़ होने के बावजूद मैं उड़ नहीं सकता, इसलिए मुझे एक छतरी की मदद लेनी पड़ रही है, लेकिन इस बार मैं जरूर उड़ूंगा। कसाया। दोस्तों अब जानिए मौसम का हाल। अगले पूरे हफ्ते कैट टाउन में भारी बारिश होने वाली है और मुझे नहीं लगता कि वो बारिश रुकेगी। ये बारिश क्यों हो रही है? बाहर जाकर खेल भी नहीं सकते, कपड़े भी गीले हैं। बाहर बारिश हो रही है, इन्हें सुखाने के लिए भी नहीं डाल सकते। कसाया, मुझे एक छतरी दीजिए। और एक छतरी मुझे भी देना। ठीक है, देता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। मुझे भी छतरी चाहिए। जल्दी से छतरी दे दो। मुझे भी एक चाहिए। अब क्या करूं, पूरा माल खत्म हो गया। अब मेरे पास आसमान में उड़ने की प्रैक्टिस करने का वक्त भी नहीं बचा। वैसे काफी देर हो गई है, मैंने तेरु तेरु को भी नहीं देखा। कहाँ गई होगी वो? तेरु तेरु, तेरु तेरु। दोस्तों आप सबका स्वागत है और अब वक्त है हमारे शो। क्या आपने इन्हें कहीं देखा है का? और हमारे साथ है कसाया। मेरी दोस्त तेरु तेरु कहीं गुम हो गई है। प्लीज दोस्तों, अगर किसी को पता हो कि तेरु तेरु कहाँ है तो प्लीज मुझे बता देना। ये है आपका प्यारा हो प्रीस्ट और दे रहा है मौसम की ताज़ा जानकारी। इस मूसलाधार बारिश और तेरु तेरु के गायब होने के बीच जरूर एक बात है, अगर तेरु तेरु हंसेगी तो हो सकता है बारिश रुक जाए। और क्या ये अजीब नहीं है कि यहाँ इस पहाड़ पर बारिश और तेज हो रही है? अगर तेरु तेरु हमें मिल जाए तो कसायान हमारा एहसान मानेगा और बारिश भी रुक जाएगी और फिर मैं इस शहर में मशहूर हो जाऊंगा। अरे बाप रे, नदी में पानी कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हो सकता है नदी में बाढ़ आ जाए। सुनिए मैडम, मुझे पता है कि ये बारिश रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही। आइए मैडम, और जरा वहाँ तो देखिए, यहाँ तो काफी बच्चे आ गए। क्या ये सच है कि तेरु तेरु इसके अंदर है? उधर देखो। हाँ? क्या आप जानते हैं वो सब तेरु तेरु ने लगाए हैं? लेकिन उसने ये सब उल्टे क्यों लटकाए हुए हैं? शायद वो नहीं चाहती कि बारिश रुक जाए। हाँ शायद। तेरु तेरु, क्या तुम अंदर हो? प्लीज बाहर आ जाओ। कसाया। हाँ मैं अंदर ही हूँ, पर तुम कुछ भी कर लो मैं बाहर नहीं आऊँगी। तेरु तेरु, आखिर क्यों नहीं? असल में मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर कोई हंसी मजाक वाली चीज पेश करे तो उसे सुनकर शायद वो बाहर आ सकती है, और तेरु तेरु के केस में भी ऐसा ही हो सकता है। कौन, चलो कोशिश करके देखते हैं। जरूर सर। यही मौका है मुझे सबको अपना हुनर दिखाने का। गुड लक नियॉन। तो चलो शुरू हो जाओ नियॉन। क्यों नहीं मैडम, थोड़ा मनोरंजन हो जाए। महान करतबाज नियॉन सर पेश है। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ वो फिर भी बाहर नहीं आ रही। क्यों ना हम भी कोई कोशिश करें सारा किचे। क्यों नहीं, ये देखिए नया कमाल। बढ़िया है ना मैडम, कैसा रहा? विंकी पंच।
कैसा लगा तुम्हें मेरा नया रूप? चौंक गए ना सर? चलो हम भी चलकर डांस करते हैं। क्या तुम ये मुझे दे सकती हो? ये तो बड़ा मजेदार है। ये वाकई में कितना मस्ती भरा है, बहुत मजा आ रहा है। आओ कौन, आखिर तुम ये सब क्या उठा कर ले आई? सोचो शायद काम आ जाए। अब समझा, अगर हवा नीचे से ऊपर बह रही हो तो शायद मैं उड़ पाऊंगा। मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी। कसाया, मैंने तुमसे कहा था ना उड़ने की बेवकूफी मत करना। तेरू तेरू, आखिर वो बाहर आ ही गई मगर उसे हंसना पड़ेगा। शुक्र है वो बाहर तो आई। हमने तो कमाल कर दिया। ओ हंसो हंसो हंसो। अरे रोको इसे, ये गुस्सा दिला रहा है। वो मत हंसो हंसो। नहीं नहीं नहीं, मैं हंसने वाली नहीं हूँ। हंसो ला ला। अरे अंकल प्लीज बंद करिए, प्लीज जाइए, चले जाइए। ये देखो ये क्या, इसने तो उसे रुला ही दिया। मुझे गुस्सा आ रहा है। इन्होंने तेरू तेरू को रुला दिया और उसकी वजह से बारिश और भी तेजी से हो रही है। ओ अब क्या हो गया, रोना बंद करो और हंसो, प्लीज हंसो। हाँ, नियम सर कितनी कोशिश कर रहे हैं। ये आवाज, मुझे लगता है ये तो पानी का शोर है। ये पानी की आवाज। हमें कोई तो बचाए। सब लोग फंस के पकड़े हैं ना। मैं तुम्हें बचाता हूँ। चलो पिदोरी पिदोरी, घूमो और दिखा दो नियंडर और पिदोरी की ताकत का कमाल। तुम सब अब ठीक हो? बहुत बहुत शुक्रिया नियांडर, तुम्हारी वजह से हम ठीक हैं। तेरू तेरू, क्या बात है, तुम हंस क्यों नहीं रही हो? और तुम उस पत्थर के पीछे क्यों छुपी हुई थी? मुझे लगा अगर बारिश गिरती रहे तो कसाया अपना काम करता रहेगा और फिर वो उड़ने की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, और अगर मैं हंसने लगी तो बारिश रुक जाएगी। तेरू तेरू, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? तो मेरी बात ही नहीं सुनते थे, मैंने मना भी किया था पर माने ही नहीं। तेरू तेरू मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा, वो भी बिना किसी की मदद के, यहाँ तक कि मैं नियांडर की भी मदद नहीं लूँगा। मत करना कसाया। हमारी जान सिर्फ छतरी की वजह से बची, वरना हम सब मारे जाते। अरे काचिन, तुम एक काम करो, तुम उड़ने वाली छतरी बनाओ, और हाँ याद रखना तुम उस छतरी में सेफ्टी का भी इंतजाम करना। हाँ मैं जरूर बनाऊंगी, मैं एक बढ़िया सी उड़ने वाली छतरी बनाऊंगी। मैं भी एक दिन उड़ना चाहती हूँ और मैं आज ही से उस पर काम करना शुरू कर देती हूँ, ऐसी छतरी जो पहले किसी ने नहीं बनाई। जरूर बनाना और पहले मुझे ही देना। तेरू तेरू अब तो तुम खुश हो ना? कसाया, अपने सपनों को हकीकत में बदलना अच्छी बात है, लेकिन उनके बारे में भी सोचो जिन्हें हमारी फिक्र होती है। जरूर नियांडर। और तेरू तेरू मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें भी इसके सपनों की कद्र करनी चाहिए। हाँ ठीक है। तेरू तेरू मैं वादा करता हूँ मैं पूरी सुरक्षा के साथ उड़ूंगा। हाँ ठीक है कसाया। ये तो हंस पड़ी। देखा, इधर ये हंसी और उधर धूप खिली। अच्छा तो मैं चलता हूँ। नियांडर बाय बाय, शुक्रिया। वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैंने तुम्हें मदद के लिए नहीं बुलाया था। ओ, मेरी बेचारी नियो।
कसाया बस उड़ना चाहता था, अब उसका सपना पूरा हो जाएगा। कचिन उसके लिए सेफ्टी वाली उड़न छतरी बना रही है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली बार भी और रोमांच के साथ और मजेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।